दुनिया के पॉपुलर एक्टर और कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे हुए 5 दिन हो चुके हैं। बीते 2 सितंबर के दिन हार्ट अटैक के चलते महज 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई दी गई 3 सितंबर के दिन। वहीं बीते कल ही सिद्धार्थ शुक्ला की प्रार्थना सभा रखी गई। सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं है, इस बात पर यकीन कर पाना हर किसी के लिए अब भी मुश्किल हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के सितारे अपने दर्द को छलकाते हुए देखे जा रहे हैं, तो वहीं सिद्धार्थ के परिवार की दर्द भरी हालत को लेकर भी अपने दिल की बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीता शुक्ला और उनकी दोनों बड़ी बहनें ही काफी दर्द में हैं। सिद्धार्थ शुक्ला को पल पल याद कर रहा है उनका पूरा ही परिवार। सिद्धार्थ शुक्ला अपने घर में सबसे छोटे सदस्य थे, अपनी मां और अपनी दोनों ही बहनों के काफी लाडले थे। तो वहीं सिद्धार्थ की क्लोज फ्रेंड पंजाबी सिंगर शहनाज गिल बेसुध हो चुकी है। शहनाज गिल ना ही खाना खा रही है और ना ही पा रही हैं। शहनाज गिल की हालत काफी दर्द भरी है और परिवार की ये हालत हर किसी को रुला रही है। इसी बीच देखा जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला के पुराने इंटरव्यूज, पुराने वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती हुई नजर आ रही हैं, जो हर किसी को रुला रही हैं। हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिद्धार्थ शुक्ला के एक ऐसे इंटरव्यू के बारे में जब उन्होंने अपनी मां को लेकर अपने दिल की तमाम बातें शेयर की। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी माँ ने उनकी अकेले ही परवरिश की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी मां के बेहद करीब थे। जब भी उन्हें समय मिलता था तो अपनी मां के साथ भरपूर मस्ती किया करते थे और अपनी मां के वह कितने करीब थे ये तमाम तस्वीरें और वीडियो जाहिर करती हैं। सिद्धार्थ की मां काफी गहरे सदमे में हैं। सिद्धार्थ के वो इंटरव्यूज जिनमें उन्होंने बातचीत की अपनी मां के साथ बॉन्डिंग को लेकर, आइए जानते हैं सिद्धार्थ के उस इंटरव्यू के बारे में जब सिद्धार्थ ने बताया कि उनकी मां के साथ उनकी कितनी प्यारी बॉन्डिंग थी और पिता के गुजर जाने के बाद कैसे सिद्धार्थ की उन्होंने अकेले ही परवरिश की और उनकी दोनों बड़ी बहनों की, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पॉपुलर एक्टर और कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री को बेहद बड़ा झटका लगा है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन ने हर किसी को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं है, इस बात पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला का पूरा परिवार, उनकी करीबी दोस्त और सिद्धार्थ के फैंस गहरे सदमे में डूबे हुए हैं और अपने दिल के दर्द को छलकाते हुए नजर आ रहे हैं सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया के जरिए। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से फैमिली दर्द भरी हालत में है। सिद्धार्थ की मां गहरे सदमे में डूबी हुई हैं, तो वहीं उनकी दोनों बड़ी बहनें भी काफी दर्दनाक हालत में हैं। सिद्धार्थ के निधन से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सिद्धार्थ के खोने के गम में उनकी मां रीता शुक्ला बुरी तरह से अंदर से टूट चुकी हैं। अपने बेटे सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में मां रीता शुक्ला का बुरा और दर्द भरा हाल देखने को मिला, क्योंकि सिद्धार्थ इकलौते बेटे थे। सिद्धार्थ अपनी दोनों बड़ी बहनों से छोटे थे और अपनी मां के सबसे लाडले थे। सिद्धार्थ की मां के बारे में बात की जाए तो उनकी मां रीता शुक्ला ने अकेले ही उनकी और उनकी बहनों की परवरिश की। सिद्धार्थ ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी मां को लेकर कई दर्द भरे राज खोले, जिन्हें जानने के बाद आप सभी की आंखें नम हो जाएंगी। दरअसल सिद्धार्थ ने अपनी परवरिश के बारे में बताया था अपने एक इंटरव्यू में। सिद्धार्थ ने बताया था कि लोग मुझे एक बाहरी तौर पर रूड
व्यक्ति के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी माँ के लिए पिघलता हूँ। जब मैं पैदा हुआ, वह मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रही हैं। मैं 3 बच्चों में सबसे छोटा था और अपनी बहनों के साथ खेलने के लिए भी बहुत छोटा था, इसलिए मैं हमेशा माँ के आसपास रहता था। जब मैं एक बच्चा था तो मैं रोता था और उनके बिना एक सेकंड नहीं रहता था, इसलिए रोटियाँ बनाते समय भी वह मुझे एक हाथ से पकड़ती थी और दूसरे हाथ से अपना काम किया करती थी। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ ने ये भी बताया कि बचपन के बाद भी उनकी माँ हमेशा उनकी सबसे अच्छी दोस्त रही। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। हर बार जब मैं खेलकर घर वापस आता तो मैं सब कुछ बातें उनको बताता था, जबकि दूसरे बच्चे अपने पेरेंट्स से बातें छिपाते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ को हर बात बताया करता था। मैं उनको अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता था। उन्होंने मेरी बहुत ही अच्छी परवरिश की और बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मैं एक शरारती बच्चा था जो मुसीबत के समय दूर हो जाया करता था। लेकिन जब मेरी माँ ने मुझे हमेशा ईमानदार रहने के लिए कहा तो मैंने खुद को सुधार लिया, खुद की गलतियों को सुधारा। सिद्धार्थ ने बताया कि जब उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, उस दौरान उनकी माँ चट्टान बनकर उनके साथ खड़ी रही। सिद्धार्थ ने बताया था कि जब मैं 15 साल का था, उससे पहले पिताजी का निधन हो गया, तो ऐसा लगा हमारे ऊपर से एक बड़ा साया हट गया हो, लेकिन माँ हमेशा हमारी चट्टान थी। वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ी। उन्होंने हमारी परवरिश से लेकर पूरे खर्चों तक घर चलाया, 3 बच्चों की देखभाल की और हमारी सभी मांगों को पूरा किया। मुझे पता है कि हमें जो चाहिए था वो देने के लिए माँ को बहुत बड़ा त्याग करना पड़ा। इस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी माँ को लेकर ये दर्द भरे राज खोले। पहले अपने पति को खो दिया और अब अपने जवान बेटे को। सिद्धार्थ की माँ काफ़ी गहरे सदमे में डूबी हुई हैं। सेलिब्रिटीज सिद्धार्थ की माँ की दर्द भरी हालत को बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि वह एक ही शब्द रट रही हैं कि वह चला गया। सिद्धार्थ शुक्ला की माँ को लेकर राहुल महाजन ने बताया कि उनकी माँ की स्थिति काफ़ी दर्दनाक है और वह ये कह रही थी कि उनका बेटा जा चुका है, अब वह किसके लिए जिएंगी। बता दें आपको कि सिद्धार्थ के पिता अशोक शुक्ला पेशे से एक सिविल इंजीनियर थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम कर चुके थे। वहीं सिद्धार्थ इंडस्ट्री के एक जाने माने कलाकार, जिन्होंने अपनी बेहद खास पहचान बनाई अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए, और आज सिद्धार्थ शुक्ला हम सभी के दिलों में बसे हुए हैं और अपने पीछे कई दर्द भरे सवाल छोड़कर जा चुके हैं। आप सभी ने जाना देखा हमारी इस रिपोर्ट में कि कैसे अकेले ही रीता शुक्ला ने अपनी दोनों बेटियों और अपने बेटे की परवरिश की। सिद्धार्थ शुक्ला ममाज बॉयज कहे जाते थे। सोशल मीडिया पर फैंस उनकी मां के साथ की तस्वीरों को देखने के बाद अपने अपने रिएक्शन देते हुए नजर आते थे और सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ और उनकी मां की ये प्यारी सी तस्वीरों को देखने के बाद हमेशा ही सेलिब्रिटीज और फैंस रिएक्शंस देते हुए नजर आते थे। लेकिन आज माँ बेटे की प्यारी सी जोड़ी टूट चुकी है। सिद्धार्थ की माँ उन्हें पल पल याद कर रही हैं और सिद्धार्थ हम सभी से दूर जा चुके हैं, लेकिन अपने पीछे कई दर्द भरे सवाल भी छोड़ गए हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।